हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C65 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो ब्लूटूथ है दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्लूटूथ को बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, अपने मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना। रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ना थोड़ी देर में एक ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसे आपको टैप करना है। आपको ये जो तीन सेटिंग देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको नीचे इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। इस पेज में आपको इसे ओके करना है। आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना। आपको नीचे ना फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन शो होगा, थोड़ी देर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहां पे। तो ये देखिए, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।